आपका ये जो टूर्नामेंट आपने रखा है, इसका कौन सा साल चल रहा है, इसके जरिए से क्या मकसद और क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि मुमरा में पहले टूर्नामेंट होते थे, छोटे मोटे टूर्नामेंट होते थे, बड़ा टूर्नामेंट कोई होता नहीं था। तो हमने एक सोचा कि नासिर पठान साहब, सादिक शेख साहब, आज हम लोग एक दिन बैठे हुए थे तो ये सोचे कि कोई बड़ा टूर्नामेंट किया जाए। और टूर्नामेंट अक्सर जो होता था तो उसमें बाहर के प्लेयर आते थे, जो इनामी राशि या जो भी चीजें वो लेके चले जाते थे। हमने बोला टूर्नामेंट ऐसा बनाया जाए कि जिसमें मुमरा के ही बच्चे खेले। तो हमने उसको बनाया मुमरा एमपीएल, मुमरा के बच्चे ही खेलेंगे। तो आज जो भी मुमरा में 10वां शुरू हुआ है कि जो भी चीजें जीती जाती है, खेली जाती है, वो मुमरा का ही बच्चा खेलता है और वो इनामात भी वो मुमरा का बच्चा ही पाता है। तो ये इसको लोगों ने पसंद किया, इस कॉन्सेप्ट को, और काफी ये बढ़ गया। अभी 10वां सीजन है और इनामी राशि भी ज्यादा है और बच्चों में टैलेंट बहुत आया। यहाँ के बच्चे खेलने वाले काफी दूर दूर तक जा रहे हैं खेलने के लिए और इसका एक बेहतरीन नाम आज हमने एक उसमें एक और प्रयोग किया कि थाना और मुमरा की सीनियर टीम की एक मैच कराया। तो वो मैच ये हुआ मुमरा, उसमें मुमरा जीत गई। तो एक चीज का ये आया कि कॉन्फिडेंस लेवल हुआ कि हम थाना लेवल की टीमों को भी हरा सकते हैं। तो ये एक डेवलपमेंट था कि खेल की तरफ लोग आए, नशे की तरफ दूर, नशे को दूर हटे। तो ये भी उसमें ही एक ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चों खेल की तरफ ज्यादा हो। ये मैच का आयोजन तो हो रहा है पिछले 10 सालों से, लेकिन आप भी क्रिकेट खेलते थे, उस क्रिकेट के बारे में जरा बताएंगे हमारे लोगों को कि आप किस तरह से क्रिकेट, और आपको घर से भी मतलब इसके लिए कई बार सजाएं भी मिली है ऐसा सुनने में। ऐसा है कि क्रिकेट का नशा इतना बुरा नशा होता है कि जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए हुगली गया पढ़ने के लिए तो 3 साल का डिप्लोमा मैंने 4 साल में कम्प्लीट किया, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट खेलने के चक्कर में एग्जाम नहीं देता था, क्रिकेट खेलने के चक्कर में टूर्नामेंट खेलने के चक्कर में बेंगलोर चला जाता था, मैं बेंगलोर चला जाता था। तो उसके लिए घर वाले भी बड़े परेशान रहते थे और मैंने 3 साल का डिप्लोमा 4 साल में किया। सैयद अली भाई, एक आखिरी सवाल, इस मुमरा प्रीमियर लीग के जरिए से अभी मैंने देखा कि कमेटी से ऐलान हो रहा था कि दुबई प्रीमियर लीग में भी मुमरा के कुछ बच्चों को चुना गया है, कई कितनी बड़ी कामयाबी आप मानते हैं? ये एक बच्चा था जिसने मुमरा प्रीमियर लीग के अंदर वो ही उसने कॉन्सेप्ट बनाया था, उसका नाम था मुदस्सिर। तो मुदस्सिर खेलते खेलते आज वो दुबई में चला गया और दुबई में ही टेनिस खेल रहा है, और अभी वो लड़का आया है। तो बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे खेलने के लिए बड़े दूर दूर तक जाने लगे हैं और उसी बेस पे उसको नौकरी मिल गई। सैयद अली भाई, इस क्रिकेट प्रीमियर लीग के अंदर बच्चे लोगों को कितना इनाम दिया जाता है और किस तरह से आपके आयोजन कमेटी इसका मैनेजमेंट करती है? इसका आयोजन एक पूरी कमेटी है वो करती है, जिसमें पप्पू भाई है, नासिर भाई है, सादिक साहब है, हमारे क्रिकेट के शौकीन इसके उनको अपना शब्बीर भाई, जिनको एक मतलब नाम दिया जाता है कि जहाँ गेम है वहाँ शब्बीर भाई है, पप्पू भाई है। तो ये सारे लोग ने मिल के अब की बार कमेटी बड़ी कर दी गई है और आयोजन अच्छा हो गया, जिम्मेदारियाँ कम हो गई। तो इसमें इनाम कितना है, क्या इनाम? 1 लाख रुपया है जो हमारे शमीम खान साहब देते हैं फर्स्ट प्राइज, और सेकेंड प्राइज जो है हमारे शानू पठान साहब देते हैं जो 50,000। तो इसके अंदर और जो छोटे छोटे आपके कार्यकर्ता मैं देखता हूँ ऑफिस की में महीने भर से साथ में लगे रहते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे, उनका भी नाम लेंगे? सारी मेहनत जो है उन्हीं लोग की है, उनके भी नाम बता दीजिए। उनके नाम हमारे साहब, क्या नाम है, सैयद, परवेश, शब्बीर, सरफराज, शब्बीर, ऐसे तमाम सब कार्यकर्ता है, उन्हीं की असल मेहनत रही है। असल मेहनत उन्हीं की है और टीम के नासिर पठान है, शब्बीर भाई हैं, ये टीम सादिक भाई हैं, इम्तियाज वानू है। मुमरा के लोगों को इस मौके पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
एक मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि मुमरा को जिस तरीके से कहीं ना कहीं टारगेटेड करके बदनाम किया जाता है और उसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी लोकली लेवल पे उसका विरोध नहीं करते, अब उसका विरोध करने का वक्त आ गया है क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया के दौर में मुमरा को बदनाम करने के लिए सबसे आसान तरीका बना देता है, एक वीडियो बनाता है और वो डाल देता है, उससे पूरे मुमरा की बदनामी होती है। जबकि मैं यही मान के चलता हूँ कि मुमरा जैसा शहर, पढ़ने वाला शहर, मेहनत का शहर, मेहनत करता है पूरा दिन, उसके बाद रात में रिटर्न शहर के अंदर आता है अपनी बीवी बच्चों के सामने, तो ये शहर बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये इसको बदनाम किया जाता है और षड्यंत्र के तौर पर और उसको एक्सप्लाइट किया जाता है, मीडिया उसको एक्सप्लाइट करता है। शुक्रिया, मुमरा बेहतरीन शहर। चेयरमैन भाई साहब, वाइस चेयरमैन फरीद जरीवाला, चीफ प्रमोटर एहतशाम खान, सेक्रेटरी शब्बीर खान, ट्रेजरी नासिर पठान, जॉइंट ट्रेजर परवेज खान, कोऑर्डिनेशन इम्तियाज बनू, एडवाइजर सादिक शेख, जावेद शेख, एक्टिव मेंबर शहजाद शेख, आसिफ शेख, जावेद कुरेशी, आमिन शाह, मुदस्सिर खान, अरशद अंसानी, मुझे नहीं मालूम था कि ये स्टेडियम का ऐसा भी उपयोग हो सकता है, पर बहुत ही शानदार क्रिकेट के सामने यहां हर साल खेले जाते हैं, ये 10वां साल है। इन मुमरा के नौजवानों का जो जोश है, मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि प्रैक्टिस कहां पे करते हैं, तो किसी ने बताया कि शमीम भाई का जो प्लॉट है उसके पीछे खाड़ी में जगह है, उधर जाके प्रैक्टिस करते हैं। बहुत लाजवाब खेल रहे हैं, लेकिन ऐसे खेल की मजा अगर मुमरा वाले सुन रहे हैं तो सुनो कि ऐसा मैदान थाने में भी नहीं है। हमेशा कहता हूं कि मुमरा जैसी सड़कें वागे स्टेट में भी नहीं है, तो ये बदला हुआ मुमरा ये थाना से कहीं बेहतर है। एक ट्रेन की समस्या है जिसको अगर हल किया जाए तो मुमरा अपने आप में एक स्वर्ग बन जाएगा। जो एमएम मालिकिया कब्रस्तान का जो रास्ता है उसके आजू बाजू की डेवलपमेंट देखे तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम मुमरा में। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग होते जा रहा है कि जो मुमरा में 2009 में 1800 और 1700 में फ्लैट बेचे जा रहे हैं, आज इधर सर बिल्डर 101 बिल्डर खड़े हैं, शब्बीर खान बिल्डर, नईम क्या शमीम खान बिल्डर, भाई साहब बिल्डर, ये बिल्डर, वाह क्या मारा है। उनको पूछो कि आज 2009 का 1800-1700 का भाव 5000 तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, 5.5। यदि ये सब रास्ते, ये पानी, ये लाइट जिसने बनाया उसको 100 रुपया तो दो यार, सब लोगों ने करोड़े कमा रहे हैं, चलो मेहनत मेरी, पसीना बहाता हूं मैं, पैसे लाता हूं मैं, कमाते हो तुम, पर मैंने आपको एक जिम्मेदारी दी है कि ये जो टोटल रोड है जो नादुल फला से निकलेगा और तलाव से आके इधर से निकल के स्टेशन पे जाएगा,
ये पूरा रास्ता डेकोरेट करने की जिम्मेदारी हर एक बिल्डर ने लेनी चाहिए। हमारी कोई मांग नहीं है, ये ऐसा रास्ता हमको मुंबई में भी दिखता नहीं है, तो ये आजू बाजू में लाइट्स लगाना, उसको डेकोरेट करना और ये रास्ते को खूबसूरत बनाना, ये जिम्मेदारी उधर जितने लोग बिल्डिंग बना रहे हैं उसने हर स्क्वायर फीट के पीछे 50 रुपये साइड में रखो और ये रास्ता